विपक्ष द्वारा सभागृह के सीढ़ियों पर आंदोलन किया गया है। विकास कार्यों को और मेट्रो के कार्यों को सरकार द्वारा स्थगित दी जा रही है। विकास कामों पर सरकार द्वारा रोक लगाई जा रही है, ऐसा आरोप विपक्ष द्वारा किया गया है। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी विधायक अमित साठम से बातचीत की है, आइए डालते एक नजर। विकास कामों के स्थगिति को लेकर आज यहाँ आंदोलन किया जा रहा है, जो है मेट्रो का सर्वोच्च न्यायालय ऐसा है कि मुंबई शहर के लिए मेट्रो 3 का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुंबई शहर में मोबिलिटी, ट्रैफिक कंजेशन का प्रश्न ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले 5 साल में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मुंबई शहर में 256 किलोमीटर के मेट्रो का काम शुरू किया। मेट्रो 3 या अंडरग्राउंड मेट्रो बहुत महत्वपूर्ण मुंबई शहर को के लिए है और इसकी कारशेड जो आरए में सरकारी जमीन के ऊपर, जो जमीन फॉरेस्ट डिक्लेयर्ड नहीं है, ऐसी जमीन के ऊपर करने का जो भी सोचा और करने का जो भी प्लान किया और उसके बाद में जिसके झाड़ों को प्री अथॉरिटी, मुंबई शहर में कोई भी झाड़ अगर काटना होता है तो प्री अथॉरिटी की परवानगी लेनी पड़ती है। प्री अथॉरिटी ने जिसके लिए परमिशन दिया, प्री अथॉरिटी हर साल मुंबई शहर में 25,000 झाड़ों को काटने की परवानगी देती है, जिसमें से 12,000 से ज्यादा झाड़ ये प्राइवेट डेवलपर के होते हैं। तो प्राइवेट डेवलपर के लिए 12,000 झाड़ कर सकते हैं, लेकिन 1.5 करोड़ मुंबई करो के लिए 2,646 झाड़ तोड़ने के ऊपर इतना बड़ा इशू क्रिएट किया जाता है। और जो 2,646 झाड़ों के बदले में एमएमआरसीएल हर झाड़ कटे हुए झाड़ के पीछे 4 एक्स्ट्रा झाड़ लगाने वाली है, तो ये खाली एक मुद्दा क्रिएट करके मुंबई शहर के विकास को रोकने का काम ये उद्धव ठाकरे सरकार ने किया है। उद्धव सरकार ने जो है मुंबई के विकास कार्य को रोकने का काम किया, ऐसा कहना है कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ। मैं क्षितिजा देशमुख, इनबीसीएन न्यूज।